सभी मंचासीन महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह नेगी जी एवं आदरणीय श्रीमती मीना सिरोला जी को आभार प्रकट करता हूँ। इसके साथ ही आदरणीय अशोक सक्सेना जी एवं देवेंद्र जोशी जी के लिए मैं सादर नमन करता हूँ एवं जन सरोकार मंच के सभी सम्मानित प्रतिष्ठित साहित्यकार साथियों को जिन्होंने मुझे जन जन तक सुनने और देखने को रूबरू कराया है हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी ने अपने अथक प्रयास से अपने जीवन मूल्यों का ध्यान रखते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, बढ़ाया ही नहीं बल्कि दौड़ाया है, जहाँ तक कि स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है। जो लोग पाती लिखना भूल चुके थे आज भी पाती लिखकर अपने उद्गारों को एक दूसरे पर शेयर कर रहे हैं। पाती पुत्र की पाती पिता के नाम, पिता की पाती पुत्र के नाम, माता की पाती पुत्री के नाम, पुत्री की पाती माता के नाम, मित्र की पाती मित्र के नाम, अनेक पातियाँ शीर्षक में इस तरह से तमाम पातियाँ लिखी गई। ये पाती कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है, भावों की पारदर्शिता है, एक दूसरे के हृदयों के भावों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं। जो लोग अपने भावों को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकते वो पाती के माध्यम से अपने भावों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पिता के सामने पुत्र कभी ऐसे नहीं कह सकता कि पिता चरण स्पर्श, जबकि चिट्ठी में सबसे ऊपर पत्री में सबसे ऊपर लिखता है कि पिताजी चरण स्पर्श। इस तरह से ये भाव प्रकट होते हैं। पुत्री अपनी ससुराल में रहती है लेकिन वो अपने उद्गारों को अपने माता पिता से कहने में संकोच कर सकती है, लेकिन वह पाती के माध्यम से वो सब कुछ कह देती है जो उसे उसके हृदय में मौजूद रहता है। इस तरह से ये उद्गार का अपने उद्गारों का दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया अच्छा माध्यम है। इस माध्यम के लिए आदरणीय नेगी जी ने बहुत ही अथक प्रयास किए हैं और अनेक शीर्षक के रूप में पाती लिखवाई गई हैं। इसी श्रृंखला में वास्तव में ऐसा अनूठा प्रयास साहित्य सृजन एवं लेखन परिवर्धन के लिए बहुत ही चमत्कारिक एवं सराहनीय है, इसके लिए मैं पुनः अभिवादन करता हूँ। इसी मुहिम के तहत पुत्र की पाती माँ के नाम शीर्षक में मैंने पाती लिखी है, उसकी प्रस्तुति दे रहा हूँ, सुने। पाती पुत्र की माँ के नाम। परम सिद्ध माँ सादर चरण वंदन, मैं तुम्हें आज भी बचपन की तरह बहुत याद करता हूँ। माँ तेरे जीवन की ममतामयी जीवंत कहानी सदैव मेरे मन मंदिर में बसी है। तुमने मुझे इस संसार में लाकर मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा की है। मैं इसका ऋण इस जीवन में और जीवन के बाद भी कभी नहीं चुका पाऊँगा। माँ आपने मेरे पालन पोषण में अपने अमूल्य जीवन का एक एक क्षण मुझे सौंपा। अपनी दुख भरी जिंदगी में आपने मुझे दुखों से दूर रखा और मुझे दुखों का एहसास तक नहीं होने दिया। तुम्हारे अलावा और ये कौन कर सकता था। माँ बचपन में मैं बीमार हुआ तो माँ तुम दिन रात जाकर मेरी देखभाल करती थी। मैं कहता था कि माँ मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगा, लेकिन मुझे प्यार भरी आँखों में आंसू भरकर कहती थी कि मेरे लाल तू ऐसा क्यों सोचता है, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा,
तेरे दिवंगत पिता के ये बात, तू ही तो मेरी जीवन नैया को पार लगाने वाला एकमात्र सहारा है। यह कहकर माँ मुँह पर पल्लू रख कर सिसकने लगती थी। तब तुम्हें देखकर मैं भी रोने लगता था। माँ तुम्हें सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब तेरे बेटे की बहू मेरी पत्नी जवानी में ही दुर्घटना की शिकार हो गई और पल भर में स्वर्ग सिधार गई। तेरी आँखें फटी की फटी रह गईं, तेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे दुखों के पहाड़ को देखकर तेरा भी हृदय फटने लगा। तब दिन रात रोती रहती थी। कुछ समय बाद देखते ही देखते हम सबको बिलखता छोड़कर तुम भी चली गई माँ। तेरी यादों की गठरी को संभाले हुए तेरी याद में आज तक मैं जिंदा हूँ। तुम आज भी मेरे जीवन का हिस्सा हो। माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा परिवार तेरी असीम कृपा एवं ढेरों आशीषों की शक्ति से सक्षम है। ये हंसता खेलता परिवार माँ तेरी ही देन है। माँ तेरे साथ रहकर जो कष्ट तुमने सहा था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूँ ना। तेरी गोद में बार बार जन्म लेने का मन करता है। यदि हो सके तो माँ अगले जन्म में फिर मुझे अपना बेटा बनाना। सहस्र नमन माँ तेरा जिगर का टुकड़ा राम सिंह साथ। मैंने माँ तेरी याद में एक गीत लिखा, उसे तुम तक पहुँचा रहा हूँ, सुने। माँ तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई। माँ तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई। सब लोग बिलकते छोड़े, रिश्ते नाते सब तोड़े। सब लोग बिलकते छोड़े, रिश्ते नाते सब तोड़े। जो बेच दिए सब घोड़े, देखा ना पलक उघार, कहाँ तुम चली गई। माँ तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई। संघर्ष किए जीवन में, दुख दर्द सहे हर क्षण में। माँ संघर्ष किए जीवन में, दुख दर्द सहे हर क्षण में। जीवन ही गया पालन में, कभी हुई नहीं तकरार, कहाँ तुम चली गई। माँ तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई। आँखों से बरसे धारा, कोई मिलता नहीं किनारा। आँखों से बरसे धारा, कोई मिलता नहीं किनारा। माँ तुम बिन नहीं सहारा, यो जीवन है मझधार, कहाँ तुम चली गई। यो जीवन है मझधार, कहाँ तुम चली गई। माँ तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई। हम ढूंढे चारों ओर तुम्हें, ये बिरह रहजक झोर हमें। हम ढूंढे चारों ओर तुम्हें, ये बिरह रहजक झोर हमें। ममता की मिले न डोर हमें, लगे ये जीवन बेकार, कहाँ तुम चली गई। माँ तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई।
तुम्हें खोजा नील गगन में, तुम्हें पाया नहीं धरन में। तुम्हें खोजा नील गगन में, तुम्हें पाया नहीं धरन में। एहसास तेरा तन मन में, आ जाओ एक बार कहाँ तुम चली गई माँ, आ जाओ एक बार कहाँ तुम चली गई माँ। तुमसे किया है प्यार, किया है तुम ही से इकरार, कहाँ तुम चली गई। तेरे जिगर का टुकड़ा, राम सिंह साथ मथुरा। आगे आता हूँ, मैंने दूसरी पाती, पाती अपनों के मुहिम में लिखी थी, प्रकृति की पाती मानव के नाम, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ पुनः पूछ ला। प्रिय मानवो, प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो। आज तुम्हें इस दशा में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम यह मुँह छिपाए अलग थलग अपने से दूर रहने की कोशिश में लगे हो। मैंने कभी सोचा भी न था, क्योंकि मैं तुम्हारी जननी माँ हूँ। तुम्हें मैंने ही पैदा किया है, तुम्हारा पालन पोषण कर अनेकों सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, जिससे तुम सुखमय जीवन का आनंद ले सको। खाने के लिए मैंने आपके लिए फल फूल सब्जियां, अनेकों प्रकार के अनास, कंद मूल फल, जो भी विटामिन युक्त और खनिजों से युक्त हैं, मैंने तुम्हें प्रदान किए। अनेकें दालें भी पैदा की, प्रदान की आपके लिए, और पीने के लिए पानी के यथा भंडार और जलाशय, नदियाँ, तालाब, बावरी, कुएँ, महासागर ये प्रदान किए हैं। इसके अलावा मेरे भूगर्भ में संचित जल का भंडार है, वो भी मैंने तुम्हें प्रदान किया है। शुद्ध वातावरण के लिए शुद्ध वायु, ऑक्सीजन एवं अन्य गैसें जो तुम्हारे प्रयोग की हैं, मैंने तुम्हें प्रदान की हैं। सुनने के लिए पक्षियों का कलरव, सुर लय ताल में प्रदान किया है। पहनने के लिए वस्त्र प्रदान किए हैं, रहने के लिए उच्च आश्रय प्रदान किए हैं, और बड़ी बड़ी इमारतों के लिए बड़े बड़े वृक्ष प्रदान किए हैं, और वो सब कुछ दिया जो तुम्हारी जरूरत का है। स्वास्थ्यवर्धक अनेक औषधियाँ प्रदान की, जिससे तुम निरोग रह सकें। इसके साथ ही मैंने तुम्हें कुछ कार्य भी सौंपे हैं, जैसे भजन करना, भोजन करना, व्यायाम करना, स्नान ध्यान योग प्राणायाम करना, साधना करना, पशुपालन करना, आजीविका कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, जल थर नव थर थलचर पशु पक्षी जीव जंतुओं पर दया करना, मिलजुल कर रहना, आपस में प्रेम करना, संयम करना, उत्तम चरित्र का निर्माण करना, मौन छिपाना, वृक्षारोपण करते रहना, औषधियों और वनस्पतियों का समय समय पर सदुपयोग करना आदि। जिससे मुझे बिना हानि पहुंचाए शुद्ध वातावरण में तुम अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सको। हे प्रिय मानवो, इतिहास उठाकर देखो कि बड़े बड़े राजाओं ने भी वृक्ष लगवाए थे, कुएं बनवाए थे, आश्रय बनवाए थे, धर्मशालाएं बनवाई थीं, तो लेकिन अब तुम भूल गए हो। अपने आर्थिक लाभ और लालच के लिए तुमने मेरा दुरुपयोग किया है। भोजन सामग्री, दूध दही घी, औषधि, फल फूल, जल वायु, खनन, पेड़ पौधे सभी को दूषित कर अपना सत्यानाश कर लिया है। इसके अलावा मेरे भूगर्भ में संचित जल का अधिक दोहन कर दुरुपयोग कर रहे हो।
जिससे तुम उत्पन्न हुए हो वह सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इस तरह तुमने वातावरण को भयावह बना दिया है। हे मानव, ये सब प्लेग, चेचक, फ्लू, कोरोना जैसी महामारियाँ तुमने खुद ही पैदा किए हैं। मैं तुम्हें समझाती रही, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। संतान कितने भी कष्ट दे, माँ चुपचाप सहती रहती हैं। आप भूल कर भी उल्टे कार्य मत करना। जो गलती करता है वह अपने कार्य से ही दुख पाता है। हे मानव, तुम्हारी व्यथा को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जब मानव दुख पाता है तो दुख मुझको भी होता है। जो कुछ मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं भरसक प्रयत्नशील हूँ। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को मैं कम कर रही हूँ। सामान्य बीमारियों को कम कर रही हूँ। बड़े बड़े अस्पतालों में सामान्य बीमारियों के लोग कम होते जा रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी से छुआछूत, मेल मिलाप सब बंद हो गया है। बलात्कारियों की संख्या घट रही है, क्योंकि घर में ही बंद रहना है और बाहर बिना काम के बाहर नहीं जाना है। मेरे बच्चों का हृदय परिवर्तन हो रहा है। धर्म कर्म में आस्था बढ़ रही है। दीन गरीबों की सहायता में बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं। भोजन के भंडार खुले हुए हैं। दूरियां बनाकर रहने से छूत की बीमारियां कम हो गई हैं। श्वास से संबंधित फैलने वाली बीमारियां जैसे टीबी आदि अब नहीं फैलेंगी, क्योंकि लोग मुंह पर मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। गंदगी से फैलने वाले रोग अब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साबुन से बार बार हाथ धोए जा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। हे मानव, तुम्हारी अकल में अब सदगुण प्रवेश कर रहे हैं। वेद शास्त्रों के नियमों जैसे भजन, पूजा पाठ, स्मरण, स्वाध्याय, व्यायाम, प्रेम योग, साधना, प्राणायाम, मन वचन कर्म के एवं आचरण की शुद्धता का भी ध्यान होने लगा है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। हे मानव, माँ हमेशा ही पुत्रों का भला चाहती है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संभल कर रहें, मेरा भी ध्यान रखें। यदि माँ का ख्याल रखोगे तो जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करते रहोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए हे मानव, प्रकृति के पुत्रों, अपनी माँ का ख्याल रखना परम आवश्यक है। मानव की संरक्षिका प्रकृति। जय हिंद। नमस्कार। जो भी मुझे लाइव देख रहे हैं और मेरे लिए कमेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए मैं बार बार सहृदय धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। जय हिंद।